हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। आप सभी को फैक्टोग्राफी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश इंडिया के बारे में। वैसे तो ब्रिटिश इंडिया का इतिहास बहुत लंबा है, इसीलिए हम इस टॉपिक को तीन पार्ट्स में समझाएंगे। पहले पार्ट में ब्रिटिश का आगमन इंडिया में कैसे हुए थे और ब्रिटिशर्स ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किए थे इंडिया में, वो कैसे बिजनेस करने से लेकर रूलिंग करने में लग गए थे, इसका बारे में डिस्कशन करेंगे। सेकेंड पार्ट में ब्रिटिश कैसे भारत की राजनीतिक क्षेत्र को हासिल करके शासन करने में लग गए थे और भारत में इसका क्या अहम रोल था, इसका बारे में जानेंगे। और थर्ड पार्ट में ब्रिटिश का टाइम इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा था और ब्रिटिश ने क्या क्या करके गए थे जिसका इस्तेमाल अभी भी हम लोग करते हैं, इसका बारे में जानेंगे। आशा करते हैं आप तीनों ही पार्ट्स को ज़रूर देखेंगे ताकि आपको ब्रिटिशर्स के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहली पार्ट। अराउंड 15 सेंचुरी में भारत की बाउंड्री भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार तक ही सीमित था, जो इंडिपेंडेंस के बाद विभाजन होकर अलग अलग राष्ट्र बन गया है। भारत पुरानी जमाना से ही वेस्टर्न देशों के साथ जमीनी रूप से वाणिज्यिक संपर्क में रहा है। भारत में विदेशी कंपनी का आगमन का शुरुआत हुए थे एक पोर्टुगीज नाविक वास्को डा गामा से, जिन्होंने 1498 में अफ्रीका महादेश होते हुए भारत में प्रवेश करने के लिए एक समुद्री रूट का आइडेंटिफाई किए थे और वो केरला के कालीकट में पहले कदम रखे थे और पहले यूरोपियन थे जो समुद्री रूट से भारत में प्रवेश किए थे। भारत टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस के बिजनेस के लिए काफ़ी फेमस था, जिसका भारत में काफ़ी मात्रा में उपलब्ध था और पोर्टुगीज इसका बिजनेस करना शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे वास्को डा गामा ने बहुत पोर्टुगीज बिजनेसमैन लेके आए थे भारत में अलग अलग बिजनेस करने के लिए, और वो लोग साउथ इंडिया में ही रहना शुरू कर दिए थे, जिसका वजह से उन्हें मुगल का सामना नहीं करना पड़े थे। और धीरे धीरे पोर्टुगीज मुगल के साथ दोस्ती कर लिए थे और मुगल एम्पायर के अलग अलग जगहों में भी बिजनेस करना शुरू कर दिए थे। 1503 में पोर्टुगीज ने केरला की कोचिन में और 1505 में केरला की कन्नानोर में किला का निर्माण किए थे अपनी सेना और बिजनेस पार्टनर्स को रहने के लिए, जहाँ से वो लोग बिजनेस को कंट्रोल करते थे। और 1510 में गोवा का रूलर आदिल शाह को हरा के गोवा को अपने कब्जे में ले लिए थे और इसको पोर्टुगीज का कैपिटल बना दिए थे। और धीरे धीरे 1535 में दीव को और 1559 में दमन पर अटैक करके दोनों ही क्षेत्रों को जीत लिए थे, और इन सब जगहों में भी पोर्टुगीज ने अपना व्यापार करना शुरू कर दिए थे। इसको देख के लंदन के व्यापारियों ने भी इंडिया में साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ व्यापार करने के लिए अनुमति के लिए क्वीन एलिजाबेथ को एक रिटर्न पिटीशन दाखिल किए थे। और 1599 में ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किए थे और 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने कंपनी को इंडिया में व्यापार करने के लिए अनुमति दे दिए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी हुआ करता था, जो अकेले ही काफ़ी था दुनिया के सारी देशों के साथ ट्रेडिंग एक्टिविटी करने के लिए। इसका अपना सेना भी हुआ करता था, जो ब्रिटिश सेना से करीब 2 गुना था। कुल 260,000 सेना था इस कंपनी का। स्पेशली ईस्टर्न देशों के साथ एक मोनोपोली बिजनेस क्रिएट करने के लिए आए थे ब्रिटिश, जो पोर्टुगीज ऑलरेडी ऑक्युपाई करके बैठा था। अब ब्रिटिश ने 24 अगस्त 1608 को वास्को डा गामा ने डिस्कवर किया सी रूट से गुजरात की सूरत में पहले कदम रखे थे। अब बस बिजनेस शुरू करने के लिए उसको परमिशन की जरूरत था, जिसके लिए ब्रिटिश युद्ध के लिए भी तैयार था, क्योंकि उन लोग के पास बहुत इकोनॉमिक पावर था, अच्छे वेपन्स और सेना की कमी नहीं था, जिससे वो आसानी से जीत हासिल कर सके। 1609 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन विलियम हॉकिंस ने मुगल कोर्ट गए थे सूरत और मुगल एम्पायर के अलग अलग क्षेत्रों में बिजनेस एस्टैब्लिश करने का परमिशन लेने के लिए। तब मुगल एम्पायर था जहांगीर, उन्होंने बस सूरत में ही बिजनेस करने के लिए अलाउ किए थे, क्योंकि बाकी जगहों में पोर्टुगीज लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे थे। और मुगल को पोर्टुगीज ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोल के माना भी लिए थे, क्योंकि मुगल और पोर्टुगीज दोस्त बन गए थे। लेकिन ब्रिटिशर्स इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। कैप्टन विलियम हॉकिंस ने क्वीन एलिजाबेथ के पास गया था इस समाचार को लेकर। फिर क्वीन एलिजाबेथ ने 1615 को एम्बेसडर सर थॉमस रो को भेजे थे मुगल कोर्ट में, ताकि मुगल एम्पायर के अलग अलग जगहों में भी बिजनेस करने का परमिशन दे दे। वो बहुत ही बुद्धिमान थे, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट लेके आए थे कोर्ट में पेश करने के लिए, और जहांगीर के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए थे उनको इम्प्रेस करने के लिए। फाइनली अराउंड 1617 में ब्रिटिश को सूरत में और मुगल एम्पायर के अलग अलग जगहों में भी फैक्ट्री निर्माण करने का परमिशन मिल ही गया था, और ये ब्रिटिश की पहली सक्सेस था। ब्रिटिश ने यहाँ स्पाइसेस से लेके सिल्क, कॉटन, इंडिगो डाई, चाय पत्ती आदि का बिजनेस करना शुरू कर दिए थे, जिसका इंडिया में काफ़ी मात्रा में उपलब्ध था। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में अपना ट्रेड सेंटर बना दिए थे और यूरोप से अलग अलग कंपनी को बुलाना शुरू कर दिए थे इंडिया में वाणिज्यिक सेंटर बनाने के लिए। ब्रिटिश ने पहली फैक्ट्री 1651 में
वेस्ट बंगाल के हुगली रिवर के पास बनाए थे और वहाँ पे फोर्ट का निर्माण किए थे अपना सेना और व्यापारियों को रहने के लिए। अराउंड मिड 18 सेंचुरी में इंग्लैंड की ऐसे वाणिज्यिक संबंध देख के डच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनीज ने भी इंडिया में ब्रिटिश का मोनोपोली बिजनेस को तोड़ना चाहते थे, जिसका वजह से ब्रिटिश को डच और फ्रेंच के साथ युद्ध का सामना करना पड़ा था और युद्ध में ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय हासिल हुए थे और कंपनी ने इंडिया में अपना बिजनेस को कंटिन्यू किए थे। मुगल एम्परर औरंगजेब ने कंपनी के ऊपर एक रूल बांध दिए थे कि कंपनी को इंडिया में व्यापार करने के लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जो कंपनी का प्राइवेट बिजनेसमैन है उनको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ब्रिटिशर्स बिजनेस कंटिन्यू किए थे विदाउट पेइंग टैक्सेस, मतलब बिना टैक्स देके, जिसका वजह से बंगाल को बहुत लॉस का सामना करना पड़ता और औरंगजेब के डेथ के बाद 1756 को बंगाल का रूलर सिराजुद्दौला ने भी ब्रिटिशर्स को ये रूल फॉलो करने के लिए बोले थे, लेकिन ब्रिटिश ने इसको इनकार कर दिए थे और धीरे धीरे मामला युद्ध की तरफ चला गया था और 1757 में, जिसको इतिहास में बैटल ऑफ प्लासी बोल के जाना जाता है, उसका शुरुआत हुआ था। और सिराजुद्दौला को मीर जाफर, जो बंगाल का मिलिट्री जनरल था, उन्होंने बंगाल का ब्रिटिश गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर धोखाधड़ी से सिराजुद्दौला को हरा दिए थे और इस युद्ध में ब्रिटिश को बहुत राजस्व प्राप्त हुए थे और ये युद्ध ब्रिटिश का पहली विजय था इंडिया में। ब्रिटिश का मेन मकसद ही था पूरा इंडिया में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना, उसके लिए वो लोग कुछ भी करने के लिए रेडी था। जो युद्ध में बार बार जीतने के बाद भी देश की प्रशासनिक जिम्मेदारी लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था, बैटल ऑफ प्लासी के बाद जिस मिर्जाफर ने ब्रिटिश के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को हरा दिए थे, उस मिर्जाफर का ब्रिटिश के साथ कुछ रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा था। उसके जगह में ब्रिटिश ने मीर कासिम को सिंहासन पर बैठा दिया था, लेकिन मीर कासिम बहुत बुद्धिमान थे। उनको पता था कि ब्रिटिश के साथ विजयी होने के लिए पैसा और अच्छा सेना दोनों का ही जरूरत है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी का काम से धीरे धीरे हट रहे थे, लेकिन जब ब्रिटिश को यह बात पता चल गया था तब ब्रिटिश ने बहुत गुस्सा हो गया था और 1764 में बैटल ऑफ बॉक्सर का शुरुआत हुए थे, जहां मीर कासिम को ब्रिटिश ने हरा दिए थे। उसके बाद ब्रिटिश को अपना व्यापार करने के लिए आसानी हो गया था और बंगाल से उनको इतनी रेवेन्यू मिलने लगे कि कंपनी की जो कैपिटल और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है उनको मीट किया जा सकता था। मतलब बंगाल के रेवेन्यू से इंडियन गुड्स खरीद के उसको प्रोसेस्ड करके फॉरेन कंट्रीज में बिकते थे और प्रॉफिट जनरेट करते थे ब्रिटिश लोग। और अब ये बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए कोलकाता में बहुत सारे ऑफिस का भी निर्माण किए थे। 1765 में ब्रिटिशर्स ने दीवानी ऑफ बंगाल हासिल किए थे, यानी कि वो लोग मुगल एम्पायर के लिए रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा से। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने बिजनेस के साथ साथ देश के शासन पर भी कब्जा करने में लग गया था। कंपनी ऑफिशियल्स ने भारत की स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर हर राज्य के शासन व्यवस्था के ऊपर इंटरफेयर करना शुरू कर दिए थे। ब्रिटिशर्स ने एक फोर्सफुल रूल बनाए थे कि इंडियन स्टेट्स के शासकों को अपने साथ कोई सशस्त्र सेना नहीं रख सकते थे, उनको कंपनी से सेना प्रोवाइड किया जाएगा और उसके बदले में कंपनी को पे करना पड़ेगा, और अगर पे नहीं कर पाया तो उस राजा को अपनी राज्य के कुछ हिस्सा पेनल्टी के रूप में उसको देना पड़ेगा। और यह रूल बहुत दिन तक चलता रहा। कंपनी ने मैसूर के थ्रू मालाबार कोस्ट तक अपना व्यापार को नियंत्रित किए थे, लेकिन 1785 में मैसूर किंगडम का रूलर था टीपू सुल्तान, जिसको टाइगर ऑफ मैसूर से भी जाना जाता है, उन्होंने ब्रिटिश का ये व्यापार को रोक दिए थे और वो फ्रेंच के साथ मिलकर बहुत आधुनिक मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद के अपना आर्मी को मजबूत किए थे। ब्रिटिश ने मैसूर में 1767 से लेकर 1799 तक कुल 4 बार अटैक किए थे और लास्ट युद्ध में, जिसको बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम से भी जाना जाता है, उस युद्ध में ब्रिटिश ने विजय हासिल किए थे। अब ब्रिटिश मैसूर के उदयर डायनेस्टी को, जो 13 सेंचुरी में मैसूर से रूलिंग कर रहे थे, उनको सिंहासन संभालने के लिए दे दिए थे। ब्रिटिश ने 1775 से लेकर 1817 तक 3 बार मराठा का ऊपर अटैक कर दिए थे और उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स, जिस वार को बोलते थे एंग्लो मराठा वार। पहली दो वार में ब्रिटिश को कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुए थे, लेकिन थर्ड वार में मराठाओं को ब्रिटिश के सामने हार का सामना करना पड़ता और ब्रिटिश ने उड़ीसा, दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिए थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वोच्चता के ऊपर एक नया नीति लागू किए थे कि कंपनी का आधिकारिक सर्वोच्चता था, मतलब इंडिया के किसी भी राज्य पर उन्हें कब्जा करने का हक था। ये नीति बाद के ब्रिटिश नीतियों को भी मार्गदर्शन करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1838 से 1842 तक बहुत लंबा लड़ाई लड़े थे अफगानिस्तान के साथ और वहाँ इंडायरेक्ट कंपनी रूल का स्थापना की थी। और अराउंड 1849 में सिंध, जो अभी पाकिस्तान में है, वो और पंजाब को अपना कब्जा कर लिए थे। बैटल ऑफ प्लासी के बाद, यानी कि 1757 से लेके 1858 तक ब्रिटिश का जो रूल था, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया बोला जाता है, ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अब शासन किए थे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने भारत के राजनीतिक क्षेत्र पर हासिल करके शासन करने में लग गए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, यानी कि सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।